उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सिद्धू चित्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन्स। खबर हल्दुखाल से। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण के नाम पर दुकानें या खोखों को लगातार तोड़ा जा रहा है, और यह एक अच्छी बात भी है क्योंकि इससे आवागमन के साधन, ट्रैफिक जाम, रोड जाम, कई चीज़ें होती हैं। परंतु यहाँ पर सोचने वाली विषय यह है, पर यहाँ पर सोचने वाली बात है कि पहाड़ों में जहाँ पर लगातार प्लान हो रहा है, और ख़ासतौर पर पौड़ी के ज़िले जो प्लान की मार झेल रहे हैं, 2000 से ज़्यादा गांव भूतिया हो चुके हैं जो सरकारी आंकड़ा है। यहाँ पर कुछ लोग कोरोना काल और उससे पहले उन्हें रोज़गार नहीं मिला तो वो रोज़गार के लिए यहाँ चले गए, और उन्हें कुछ लोगों ने वहाँ पर दुकानें खोली, रोज़गार के नाम पर खोखे खोले गए, या उन्होंने अपनी जगह थी तो उसमें दुकानें बनाकर काम किया। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि कोई दुकानें यहाँ पे 40 साल से हैं, कुछ 50 साल से, कुछ 10 सालों से होंगी। जब यहाँ पर अतिक्रमण हुआ तो उन्हें रोका नहीं गया, परंतु आज आनन फानन में आदेश के बाद 2 या 3 दिन के अंदर लगातार आप देख रहे हैं कि पहाड़ों में इस तरह का अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है, और ये रोज़गार पर भी एक चोट है। हमारा कहना है कि जो लोग गांव में रोज़गार कर रहे हैं, जो मार्केटें हैं, चाहे हल्दुखाल है, निर्णा है, धुमाकोट है, जलाव खांद है, यहाँ पर सरकार को कुछ जमीन चिन्हित कर यहाँ पर मार्केट बसानी चाहिए, और जो लोग वहाँ पर रोज़गार करना चाहते हैं उनको यहाँ पर जगह देनी चाहिए ताकि वो लोग अपना रोज़गार कर सकें। अब लोगों ने अपने हिसाब से, जिसको जहाँ मिली जगह उसने उस हिसाब से वहाँ पर रोज़गार किया है। पहाड़ है, पहाड़ को बसाना है, इन्हीं लोगों ने पहाड़ बसा रखा है। हमारा कहना है कि जिन लोगों ने पहाड़ बसा रखा है, पहाड़ों में हैं, गांव में हैं, गांव आबाद करके हैं, उन्हें सरकार को कुछ ना कुछ तो सुविधाएं देनी चाहिए। और यह हाईकोर्ट का फैसला है, इसे मानना चाहिए, परंतु सरकार चाहती तो कोर्ट में हलफनामा डालकर कुछ समय की मोहलत देकर इन्हें नियमबद्ध तरीके से बसा सकती है। सरकार इस पर ध्यान दे। हम कोर्ट की किसी फैसले को नज़रअंदाज नहीं कर रहे, परंतु सरकार की नीतियां ना होना, सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधाएं ना होना, पहाड़ी इसको भुगत रहा है। तो साथियों, देख रहे होंगे आप पहाड़ों में जिस प्रकार से अतिक्रमण हुआ है, उसकी यहाँ पे सामने आप देख रहे होंगे, वो नज़ारा सामने दिख रहा है। नैनी ब्लॉक का क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। तो जो एक मामला है यहाँ पे, हर एक जो NH है यहाँ पे, NH नेशनल हाईवे है, उस पर सारी चीज़ें टूट रही हैं। आसपास जितने भी जो अतिक्रमण है वो तोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि पहाड़ों में मतलब 80% तो प्लान हो चुका है, 20% लोग जो मजबूर और मजदूर हैं वही रह चुके हैं गाँव में। अब उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर कोरोना काल से उठने की कोशिश किया था, और पहले तो सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि जब अतिक्रमण होता तब उन्होंने क्यों इनको आश्रय दिया। आज 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, उसके बाद इनको ये नज़र आता है कि अतिक्रमण है। क्या उस टाइम से विभाग या वन विभाग या PWD विभाग ये कहाँ सोए हुए थे? क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी कि इन्होंने देख के भी अनदेखा किया? उस टाइम पर कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? आज पहाड़ी क्षेत्र में लगभग आप देख रहे होंगे जो 80% जो प्लान हो चुका है, 20% जो रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा सा उठने की कोशिश की, अपना एक स्वरोजगार करने की कोशिश की। उसके बाद जब ये चीज़ सामने आती है, सुप्रीम कोर्ट का जो ये मामला आता है, तो यहाँ पे एक नॉर्म्स होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पर लगभग मुझे लगता है जाम की स्थिति कभी आई नहीं आज तक। ये छोटे से सामने आप देख रहे हैं, नेशनल हाईवे है, यहाँ पर प्रतिदिन गाड़ी चलती भी नहीं है, कभी जाम की स्थिति हमने कभी देखा नहीं है, फिर भी यहाँ पर ये सामने जो अतिक्रमण है उसको तोड़ा जा रहा है। तो पहले तो गलत, हम इसको गलत मानते हैं, ऐसे नहीं कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये है गलत है कि अतिक्रमण किया इन लोगों ने, लेकिन आशय देने वाला कौन है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्होंने जो यहाँ पे जिन्होंने ये आशय दिया उनको तत्काल इससे इनके ऊपर जाँच होनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ। तो जिस प्रकार से यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कई लोग जो हमारे भाई हैं जो स्वरोजगार कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि उन पर क्या बीत रही है इस समय, और लगभग जो प्लान आप धीरे धीरे मुझे लगता है वो लोग भी प्लान कर जाएंगे इन पहाड़ों से, और आने वाले टाइम पे ये कॉर्बेट नेशनल पार्क में तब्दील होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ लोग नहीं रहेंगे तो जानवर रहेंगे, जानवर रहेंगे तो अपने आप ही कॉर्बेट नेशनल पार्क बन चुका होगा, ये लगभग बन ही चुका है, क्योंकि आप देख रहे होंगे लगातार कहीं बाघ का अटैक हो रहा है, कहीं पे चीते का अटैक हो रहा है, तो ये लगातार यहाँ पे पहाड़ों में चले रहा है, कहीं लोग निवाले बन रहे हैं इन जानवरों के। तो लगभग अभी तो आपको देख ही रहे होंगे कम 80% या 70% लोग
यहाँ से उनके डर से जा चुके हैं, और जो रह चुके हैं वो मजबूरी में रह रहे हैं यहाँ पे, स्वरोजगार कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे हमारे भाई हैं सामने देवेंद्र भाई हमारे यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे अपना एक शॉप है उनका, और ये भी पहले कहीं और दूसरे शहर में जॉब करते थे, उसे बाहर पहाड़ों में आए थे, आज इनका ऐसे ने भी यहाँ पे सामने आप देखेंगे टूट रहा है, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। पहले तो स्वागत है आपका देवेंद्र भाई, आप महासंघ के ये अध्यक्ष भी हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं आप, तो क्या लगता है आपको जो ये चल रहा है अतिक्रमण का जो तोड़ रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं चलो, ये तो एक माने सरकारी प्रक्रिया है, इसमें हमें भी कोई माने आपत्ति नहीं है, लेकिन जो तरीका सरकार ने इसमें माने अपनाया है उससे सभी लोग हम जो है माने उसमें अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं। एक्चुअली में ये सारी प्रक्रिया जो है सिर्फ 5 दिन के अंदर यहाँ पर हुई है। पहले दिन इन्होंने यहाँ पर मार्किंग करी और दूसरे दिन यहाँ पर नोटिस थमा दी, और उसमें बताया गया कि 3 दिन के अंदर अंदर आप लोग अपना जो भी जहाँ पर इन्होंने निशान मार रखे हैं कि इसको जो है आप खाली करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय संपूर्ण प्रदेश में भारी आपदा आई हुई है, बारिश का मौसम है, और इस भयंकर बारिश में जो है सरकार जो है लोगों का आशियाना छीन रही है, तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। कम से कम मेरी जो है इस बीच मैंने डीएम साहब को भी मेल किया था, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और माननीय विधायक जी से भी मेरी फ़ोन पर बात हुई थी, तो हमने उनको यही मांग करी थी कि कोई बात नहीं, जो मैंने अतिक्रमण का क्षेत्र आ रहा है उसको आप तोड़ लीजिए, लेकिन इस समय कम से कम क्योंकि बरसात का मौसम है तो कम से कम एक महीने का जो है हमें समय दीजिए। लेकिन सभी लोग जो है इस जाने अनजाने इसको जो है कोर्ट पे डाल दे रहे हैं कि कोर्ट का मामला है। मैं कहता हूँ कि अगर कोर्ट में भी सरकार अपना एक एफिडेविट इस प्रकार से दायर करती कि बरसात का मौसम है, प्रदेश में भारी आपदा है, लोग अपने मकानों में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर भी वो जो है रात भर जो है जाग रहे हैं, तब भी माने एक डर का माहौल बना हुआ है, और ऐसे भीषण बरसात में जो है सरकार लोगों से जो है उनका माने यहाँ अतिक्रमण कर हटवा रही है, तो ये सरासर माने निंदनीय है। और मैं समझता हूँ यदि कोर्ट में इस प्रकार से एफिडेविट सरकार के द्वारा रखा जाता तो निश्चित तौर पे कोर्ट भी इतना संवेदनशील नहीं हो सकता है, कोर्ट भी जरूर उस बात को रखती और लोगों को एक महीने का समय मिल जाता। देवेंद्र भाई, जैसे कि मैंने आपको एक जो सम्मान भेजा गया था, जो लेटर भेजा गया था, उसमें देखा मैंने, उसमें ये लिखा सीधे से उन्होंने कि आपको पहले भी इस चीज़ का अल्टीमेशन दे दिया गया था कि आपका ये अतिक्रमण आपने किया हुआ है, आप लोगों ने नहीं किया, इस चक्कर में इन्होंने ये टाइम शॉर्ट टाइम रखा, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा आज तक मैं अगर हल्दूखाल क्षेत्र की बात करूं तो आज तक यहां पर जो है किसी भी प्रकार का नोटिस या किसी प्रकार की मार्किंग जो है आज तक नहीं हुई है। ये तो इन्होंने विभाग ने जो है अपना पीछा छुड़ाने के लिए जो है ये बात उस नोटिस में ऐड कर रखा है, और हमने कल एक्शन साहब से भी इस बारे में आपत्ति दर्ज कराई थी कि भाई 5 दिन के अंदर अंदर लोग कहाँ वो करेंगे। पहाड़ों में एक छोटी छोटी दुकानें होती हैं, छोटे छोटे मार्केट होते हैं, और अगर मैं हल्दूखाल की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैंने अपनी दुकान भी सपोज दूसरी जगह शिफ्ट करनी और यहाँ पर मेरी दुकान सपोज तोड़ी जा रही है तो वह हमारे पास यहाँ पर ऐसा अल्टरनेट भी नहीं है कि हम अपनी दुकान वहाँ पर जाकर के शिफ्ट कर जाएँ। अब ये लगा लो कि छोटे माने बहुत कम मात्रा में लोग जो है गाँव में बचे हैं, और जो लोग गाँव में हैं भी तो उनका अपना रोजगार का साधन एकमात्र ये दुकानें वगैरह हैं, और सरकार ने उनको भी जो है हम लोगों से छीन दिया है। माने हम अब एक किस्म से बिल्कुल रोड पे आ गए हैं, है ना, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमने उनको पढ़ाना है, परिवार को पालना है, तो ये सब बड़ा संकट जो है हम लोगों के सामने खड़ा हो गया है इस समय। बिल्कुल देवेंद्र भाई, आपने सही कहा था कि हमारे ऊपर कई डिफेंडेबल हमारे रिश्तेदार हैं हमारे, वो क्योंकि उनको भी एक फ़र्क पड़ सकता है इस चीज़ से, अगर हमारा एक रोज़गार छिन रहा है तो हमारे पे जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे माँ बाप है, उनके ऊपर से भी यह आसना छिन रहा है, समझ लो एक किस्म से, क्योंकि रोजगार का जो मार जो पड़ रहा है पहाड़ों में आप देख रहे होंगे लगातार, स्वरोजगार के नाम पे आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है इस पहाड़ों में, धरातल पे जो दिख रहा है वो जीरो है, और कागज में आपको देख रहे होंगे अंबार छिड़ा हुआ कि हाँ जी स्वरोजगार हो रहा है, स्वरोजगार हो रहा है, तो ये चीज़ें। और एक बात उन्होंने सही कहा था कि अल्टीमेशन जो होना चाहिए, पहले तो ये विभाग ने पिंड छुड़ाने की कोशिश की थी, जो देवेंद्र भाई का कहना है कि इससे पहले कभी हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, तो ये भी एक बड़ा एक खेद का विषय है कि इस तरह से विभाग भी अपना पिंड छुड़ाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं, और इनके ऊपर भी मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे आशय दिया इन लोगों को कि भाई तुम आगे बना लो, उसके बाद भी एकदम से बिना नोटिस के इनको तोड़ दिया जा रहा है। अब बरसात का मौसम, सही कहा आपने, बरसात का मौसम है, इस समय अपना सामान शिफ्ट करना भी इनके लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम है, और ऐसे में अगर सामान शिफ्ट करना तो आधा ज़्यादा तो सामान भीग जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो ये तो सही कारण कि रोड पे आ गए हैं, जो स्वरोजगार कर रहे हैं रोड पे आ चुके हैं, धीरे धीरे मुझे लगता है बच्चों के साथ वो भी पहले खुद जाएंगे, उसे अपने बच्चों के साथ वो प्लान कर देंगे इन पहाड़ों से। अलग बलग भाई, ये आपका
जानवरों वाला जो ये जो पहाड़ है वो बनना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ सुकून होम स्टे के ऑनर है, जो यहाँ पे इन्होंने अपना खड़ेत गांव में सुकून होम स्टे बनाया हुआ है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस विषय पर। पहले स्वागत है नेगी जी आपका भाइजो माउंटेन पे, का क्या कहना आपका इस विषय पे, जो ये आपका अतिक्रमण जो आजकल जो टूट रहा है इसके बारे में क्या कहना है? मेरा इतना ही कहना है कि सरकार को कम से कम एक महीने का समय देना चाहिए था, क्योंकि दुकान में कोई एक दो बोरी सामान तो है नहीं कि जो उठा के वो अपने घर ले जाएगा, उसको सामान को संभालने के लिए पूरा अरेंजमेंट करेगा, हज़ारों रुपये का लाखों रुपये का सामान दुकान के अंदर भर रखा है, अब इसको एकदम से ऐसा थोड़ा जाएगा तो वो कहाँ से ले जाएंगे इसको। तो इसलिए सरकार जो भी कर रही है ये गलत कर रही है, जो इनके अधिकारी हैं ये सब जो है जनता को भी गुमराह कर रहे हैं और सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हमने पहले नोटिस दिया था, अगर दिया था तो आप दिखाइए कहाँ है नोटिस, उसकी कॉपी इनके पास होगी वो दिखाएं हमें कि क्या नोटिस दिया था आपने पहले। जैसे कि ये हमारे जो है इधर देवेंद्र भाई ने कहा कि चार पाँच दिन में सारी कार्रवाई हुई, चार पाँच दिन में ऐसे कार्रवाई करना तो उचित नहीं है, ऊपर से बरसात का मौसम है, टूट रहा है, कहाँ जाएंगे, इतना टूटेगा तो ये सामान कहाँ जाएगा, कहाँ लेके जाएंगे। बिल्कुल सही बात कहा आपने नेगी जी, क्योंकि जो टूट रहा है बरसात का मौसम है टूट रहा है, तो उसमें हो सकता है क्या पता कि एक दीवार आ रहा हो लेकिन अंदर जो दीवार है उसमें पानी घुसेगा। कम से कम बरसात के टाइम पे तो रुकना चाहिए इन लोगों को, और सरकार भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार क्यों मूक दर्शक बैठी हुई है, एक बड़ा एक सोचने विषय है, आखिर क्या कारण है, ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी उन पर कि उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में जो अतिक्रमण का ये टाइम चुना उन्होंने, बरसात का टाइम चुना उन्होंने, और जो स्वरोजगार कर रहे हैं लोग उनको रोड पर ले आए वो लोग। ये बड़ा एक दुर्भाग्य क्षेत्र के दुर्भाग्य से निर्णय ब्लॉक के लिए, मैं हर एक जो विभाग जहाँ जहाँ टूट रहा है वहाँ की बात करूँगा, हर जगह ये टूट रहा है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट कर रही है थोड़ा इनमें इनको समय भी देना चाहिए, और विभाग की तरफ से जो विभाग है, चाहे वन विभाग है, मैं दोबारा फिर से दोहराता हूँ अपनी बात को, वन विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, जो विभाग जिनके जो जमीनें आ रही हैं उनके जो अधिकारी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने पहले तो ये अतिक्रमण करने क्यों दिया। अगर 30 साल हो गए, 30 साल से ये लोग कहाँ सोए हुए थे, सबसे बड़ी बात है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तत्काल इनके ऊपर जांच बैठानी चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ वॉइस ऑफ माउंटेन के माध्यम से। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन संजीवनी के साथ 99 ब्लॉक।